हेलो, आज मैं आपको लौकी की सब्जी बना के दिखाऊंगी, जिसको बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है और ये घर के कुछ मसालों से ही बहुत टेस्टी बनती है। ये लौकी की सब्जी बनाने में ना आपको प्याज को भूनने की ज़रूरत है, ना मसालों को भूनने की ज़रूरत है। बहुत इजी तरीके से बनता है और इसका स्वाद तो आप एक बार बनाइए, खाइए तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मेरे घर में ये सब्जी सभी को, बड़े बच्चों सभी को बहुत पसंद है। तो चलिए इसकी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने लौकी को बड़े क्यूब्स में काट लिया है, बड़े बड़े साइज में लौकी को काट लिया है। बहुत छोटे साइज में इसको नहीं काटना है। और मैंने वैसे ही आलू को भी बड़े बड़े साइज में काट लिया है। तो इसको काट धो के मैंने काट लिया है। और ये एक लौकी है और दो आलू है। और अब इसमें हम थोड़े खड़े मसाले ऐड करते हैं, जिसमें कि ये खड़े मसाले हैं, जिसमें 7-8 काले मिर्च है, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, दो लौंग, थोड़ी सी जावित्री और थोड़ा सा, आधा इंच से भी कम, दालचीनी। इन सबको हमको ऐसे ही डाल देना है। और अब इसमें हम दो, ये हरी मिर्च है जो कि लाल हो गया है, इसे भी डाल देंगे। फिर इसमें ये दो कटे हुए बड़े साइज में टमाटर डाल देंगे, एक तेज पत्ता डालेंगे और दो बड़े साइज में कटे हुए प्याज डाल देंगे। सारे मसाले और को हम, और प्याज, टमाटर, सभी चीजों को हम कच्चा ही डालेंगे, किसी चीज को फ्राई नहीं करना है। इसीलिए ये सब्जी बनाने में बहुत इजी होता है और इसका टेस्ट जो है बहुत लाजवाब होता है। इसमें डालेंगे एक पिंच हींग, अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने ताजा अभी फ्रेश ग्रेट किया है, इसको भी डाल देंगे इसी में। अब इसमें और थोड़े से सूखे मसाले ऐड करते हैं। तो ये है किचन किंग मसाला, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मार्केट में सब अवेलेबल है। और ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच कसूरी मेथी और नमक अपने स्वाद के अनुसार आप डालिए। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे कच्चा सरसों का तेल, ना गरम करना है और ना उसमें, बस इसमें 2 चम्मच के अकॉर्डिंग हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे ऊपर से, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, बस 2 चम्मच। और इन सबको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इन सबको मैंने मिक्स कर लिया है, ऐसे ही इसको सबको चला के मिक्स कर लेना। मैंने इन सबको मिक्स कर दिया है और अभी ही इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है अभी। अब इसको हम कुकर में डालेंगे। तो चलिए देखिए कुकर में कैसे डालते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कुकर गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे तेल। देखिए कुकर गर्म हो गया है और मैंने इसमें तेल डाल दिया है, ये 2 बड़े चम्मच तेल है। देखिए ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। और अब इसमें हम डालेंगे ये आधा चम्मच पचफोरन है, इसको डालेंगे, इससे इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो इसमें हम आधा चम्मच पचफोरन डाल देंगे और 2 खड़ी लाल मिर्च। जैसे ही तड़का थोड़ा भून जाता है तो इसमें सारी सब्जियों को हम डाल देंगे। देखिए कुछ भी नहीं भूनना है, बस सारी सब्जियों को ऐसे लेना है और इसमें डाल देना है। देखिए इसका कलर देखिए, बस मैंने इसको 1 मिनट के लिए और ऐसे ही भून लिया, सारी सब्जियों को डाल के 1 मिनट के लिए। और उसके बाद अब इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें मैंने इसको सारे मसालों को और इसको काटा था, उसके
मसालों को थोड़ा सा पानी डाल के इसमें इसको भी डाल देंगे बस, और कुछ नहीं डालना है। और इसको बंद करके आपको 3 से 4 सीटी लगा लेना है। तो देखिए ये सब्जियां, बस मैंने इसको 1 मिनट के लिए ऐसे ही भून लिया है और कुछ नहीं किया है, ना इसमें और कुछ मैंने डाला है। और जिस बर्तन में मैंने इसको मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उस पानी को इसमें डाल देना है, बस थोड़ा सा पानी, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि लौकी खुद ब खुद पानी छोड़ता है तो देखिए मैंने इसको केवल 1 मिनट के लिए भून लिया है और इसका कलर आप देख सकते हैं और अभी इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है। और कुछ नहीं करना है, जिस भगोने में मैंने इसको मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल देना है और इसको बंद कर देना है। और बंद करके इसमें कम से कम 3 से 4 सीटी लगा लेंगे, बहुत तेज आंच पे नहीं, मीडियम आंच पे 3 से 4 सीटी लगाएंगे। और जब तक इसका स्टीम निकल ना जाए तब तक इसको मत खोलिए। और मैंने कुकर को बंद कर दिया है और इसको मीडियम हीट पे छोड़ दिया और इस पे 3 से 4 सीटी आने देंगे, उसके बाद खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए 4 सीटी आ चुके हैं और मैं आपको इसके सामने आपके सामने इसको खोल के दिखा रही हूँ। देखिए ये सब्जी का कलर देख रहे हैं क्या कैसा आया है। और ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, रोटी पराठा चावल नान किसी के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये सब्जी बन चुकी है और मैंने इसको मिसी रोटी के साथ सर्व किया है। आप इसको चावल रोटी पराठे या किसी के साथ खा सकते हैं, ये हर चीज़ के साथ बहुत टेस्टी लगती है। मेरे कहने पे एक बार आप इस तरीके से लौकी की सब्जी बनाइए, खाइए और आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।